ये भ्रम खत्म हो जाएगा कि बहुत काल जब साधना करे तब ऐसी बात आती है। हम लोग तो गृहस्थ हैं, संसारी हैं, विषयी हैं, आदि आदि। आपने स्वीकृति ही आप गलत ढंग से कर रहे हैं, स्वीकृति ही आपने सही नहीं की। हम गृहस्थ हैं, हम अमुक हैं, हम सब देह भाव की स्वीकृति। प्रभु कह रहे हैं ममैवांशो, तू मेरा अंश है, मेरा बच्चा है, मेरी आत्मा है। फिर ऐसा क्यों आप स्वीकृति नहीं कर रहे कि प्रभु मेरे हैं? सच्ची मानिए प्रभु ही अपने हैं, सच्ची मानिए प्रभु ही हमें बहुत प्यार करने वाले मित्र मिल गए, नहीं तो कोई नहीं है, यहां केवल भ्रम है। मानो प्रभु की बात को मान लो, निहाल हो जाओगे। वो इसीलिए बोल रहे हैं, इसीलिए बोल रहे हैं कि हम निहाल हो जाए, परमानंद में मगन हो जाए। प्रभु अर्जुन जी को कह रहे हैं सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। ये कर्म भूमि है, हमारा यहां जन्म हुआ है, अपने शुभ और अशुभ दोनों कर्मों को मिटा करके वो परम लाभ जो किसी कर्म से नहीं होता वो हम करें। वो कौन सा कर्म है जो हमें परम लाभ देगा? तो कह रहे हैं जय और पराजय में समान भाव रखना ही वो समता रूपी महान धर्म है जो तुम्हें बचा लेगा। बड़े से बड़ा शुभ कर्म भी फांसी ही है, चाहे सोने की जंजीर से फांसी लगाओ और चाहे रस्सी से फांसी लगाओ, मरोगे तो है ही। ऐसे शुभ कर्म भी फांसी ही है, लोक लोकांतर में भटकना होता है, विश्राम नहीं होता। और अशुभ कर्म तो है ही, कहना क्या है उसको। हर शरीरधारी से ये दो प्रकार की क्रियाएं होती ही हैं, कहीं ना कहीं शुभ कर्म होता है, कहीं ना कहीं अशुभ कर्म। कोई ऐसा नहीं है जो इन दोनों कर्मों से युक्त ना हो। बड़े बड़े ज्ञानी जनों के शरीर के द्वारा भी ये दो क्रियाएं हो जाती हैं, पर वो अपने को अलग कर चुके हैं, वो अपने स्वरूप में स्थित हैं, कर्ता भाव रहित हैं, इसलिए ना शुभ उनका स्पर्श करता है ना अशुभ स्पर्श करता है। वो जान के कोई क्रिया नहीं कर रहे, संकल्प करके क्रिया नहीं कर रहे, स्वाभाविक हो रहे। अब उसमें कुछ भी ऐसी घटना घट जाती है तो उसके वो कर्ता नहीं है। इसलिए कहा गया कि जो आत्मज्ञानी महापुरुष है अगर उसके द्वारा बड़े से बड़ा शुभ कर्म हो जाए तो कोई उसका पुण्य फल नहीं होता, और बड़े से बड़ा कोई पाप कर्म बन जाए तो उसका कोई अपराध नहीं होता, क्योंकि कर्ता भाव से रहित है। ये सबकी समझ में नहीं आएगा, ये आगे की बातें हैं जहां अहंकार समर्पित हो जाता है। कैसे नहीं उसको अपराध लगेगा? उसके शरीर के द्वारा हो रहा है। तो जैसे हमारे इस प्रदेश में जितने भी प्राणी वास करते हैं, फिर देश में, फिर हमारे विश्व में, तो हम एक प्रदेश से लेते हैं, कितना अशुभ कर्म होता है और कितना शुभ कर्म होता है, क्या आपको दोनों का दंड मिलता है या पुरस्कार मिलता है, या आपको हर्ष होता है या शोक होता है, या सुख होता है या दुख होता है? नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारा संबंध नहीं। हो तो रहा है, शुभ अशुभ कर्म हो रहा है प्रदेश में, देश में, क्योंकि कोई भी शरीरधारी कर्म किए बिना रह नहीं सकता। और जो शास्त्र सम्मत कर्म करते हैं वो भगवत मार्ग के पथिक होते हैं, वो साधारण उनकी गणना नहीं आती शुभ अशुभ में, वो तो भगवत धर्म का पालन करने वाले होते हैं, वो तो महात्मा होते हैं, भक्त जन होते हैं, प्रेमी जन होते हैं, वो त्रिगुणातीत अवस्था की तरफ उनकी गति होती है। पर साधारण प्राणी प्रायः क्रिया किए बिना रह नहीं सकता, क्रिया होती है, और क्रिया जब अहम से होती है तो कहीं ना कहीं लाभ बुद्धि सुख बुद्धि होती है, इसके कारण वो ये समझ नहीं पाता है कि धर्म है कि अधर्म है, और बढ़ता चला जाता है। कहीं खूब पापाचरण होते हैं, कभी कोई संयोग बन गया तो पुण्याचरण भी होते हैं, लेकिन आपको क्या फर्क पड़ता है?
पूरे विश्व में दोनों प्रकार के कर्म हो रहे हैं, आपको क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि उसका हमारा कोई संबंध ही नहीं है, समझ लीजिए। तो ऐसे ही विश्व का एक ये नमूना है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर।